आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की 103वीं जयंती समारोह के अवसर पर पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया में फणीश्वर नाथ रेणु को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रेणु जी में वो सभी गुण विद्यमान थे जो भारत रत्न पाने के लिए होता है, लिहाजा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है। युक्त बातें जयंती समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्णिया सांसद कुशवाहा ने कही। इस अवसर पर पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति राजनाथ यादव भी मौजूद थे। उपस्थित अतिथियों ने डॉक्टर राम नरेश भक्तों द्वारा लिखित पुस्तक परती में प्राण डालते हुए रेणु पुस्तक का भी विमोचन किया गया। पूर्णिया की मिट्टी के लाल देश के एकमात्र आंचलिक कथाकार, महान समाजवादी, शोषित वंचितों की आवाज स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु 103वीं जयंती समारोह आज पूर्णिया के टाउन हॉल में पूर्णिया नवनिर्माण मंच के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। और रेणु जी न केवल लेखक थे, रेणु जी एक सजग नागरिक और देशभक्त भी थे। वे 1954 में जो उपन्यास महिला आंचल उनके द्वारा लिखा गया था और उस उपन्यास में उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। उनकी तो कई रचनाएं हैं, कई लेखनी है, और जिस तरह से उनका लेखनी और जो उनका गांव गरीब जो वंचित है समाज में शोषित पीड़ित है वो उनका आधार हुआ करता था। इसलिए रेणु जी क्या आज हम सभी जयंती मना रहे हैं, इसलिए इस जयंती के अवसर पे हम तो केंद्र सरकार से मांग करें कि ऐसे रत्न को भारत रत्न मिलना चाहिए। उनके मरणोपरांत केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न से रेणु जी को नवाजे। आज के दिन हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि रेणु जी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।